नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। परेशानी में यहाँ दर्द होने के बाद अपने को खाने का कम वही दिल में ये खटक करती है कि हम अपने जो भी लोग हैं उनका विसर्जन तक नहीं करते। हाँ, कुछ लोग ऐसा तो शुद्धिकरण पहले से विसर्जन करना चाहते हैं, उसको जो मजबूरी है नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम चाहेंगे कि घाट की व्यवस्था करें तो ठीक है, रखते जाते हैं और सबके नाम और नंबर फोन नंबर और रेस्टोरेंट मेंटेन होता है। गेट में जा सामने खड़ा रहता है, स्वर्ग धाम लिखा हुआ खुद दिखता है। तो ये सुरक्षित कैसे रखते हो आप? वो तो कमरे में बंद करके रखते हैं, उसमें कलश में पर्ची लगा के नाम डाल के पूरा पता लिख के सब डाल। वही हमने कमरे में देखा है कि जो एक पटिया सी बनी हुई है उसमें कलश रखे हुए हैं। अपने यहाँ नगर पालिका की तरफ से ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जो अलवारी टाइप का लॉकर रखा जाए जिससे अस्थियां तो कम से कम मरने के बाद लोगों को सुरक्षित रहें? नहीं, तो ये तो नगर पालिका की देन है, ये करवाया तो नगर पालिका ने करवाया है। मतलब एक पटिया रूप में बना दिया गया और वहाँ कलश लाइन बाई लाइन रख देते हो, पर्ची पड़ी पड़ी रहती है। कलश नाम लिख दिया जाता है, कलश पे नाम डाल देते हैं, पता पूरा डाल देते हैं और जब वो इच्छा होता है तभी ले जाते हो। मतलब इस तरीके से व्यवस्था नहीं है कि एक अपना कलश व्यक्ति मृतक का लॉकर वगैरह की व्यवस्था नहीं? आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।